सो हेलो माई डियर फ्रेंड्स आई होप यू आल आर डूइंग वेरी गुड एंड आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काफ़ी प्रोडक्टिव है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स स्पेशली 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंड हु कोडेंट परफॉर्म फॉर देम टू ठीक है चलिए मैं सेशन को स्टार्ट करूँगा एंड एंड मोस्ट ऑफ़ यू नो दैट कि जे का सेकेंड मेरिट लिस्ट आ चुका है एक एक आध लिस्ट और आएंगी गोखले का थर्ड मेरिट लिस्ट तक आ चुकी है बी का भी सेकेंड मेरिट लिस्ट आने वाली है कल तक आ जाएगी कल से परसों तक आई I मीन mean। फिर आपका मोस्ट इम्पॉटेंट डी एस दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुकी है तो हम पहले बात कर लेते हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का कट ऑफ क्या रहा है रहा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का कट ऑफ पी इकोनॉमिक्स के लिए जो फर्स्ट कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी का सी वन नॉन डी यू एंड सी टू डी यू डी यू वालों का टू ट्वेंटी फोर गया है नॉन डी यू का टू फोर्टी फोर गया है जनरल कैटेगरी ई डब्ल्यू एस कैटेगरी टू टेन एंड वन नाइनटी टू ओ बी सी कटेगरी टू हंड्रेड फोर वन सेवेंटी फोर एस सी कटेगरी वन सेवेंटी टू वन थर्टी थ्री और एस टी एस सी ये रहा वन फोर्टी फाइव और नियरली हंड्रेड नाइन्टी नाइन ठीक है तो अब बात कर लेते हैं कि क्या रही कट ऑफ क्या सर आपने बोला था क्या हुआ मैं फिर से शुरू में से दोबारा बोलूँगा थोड़ा बहुत अगर जनरल कैटेगरी दैट टू नॉन डी यू अगर छोड़ दिया जाए मोस्टली कट ऑफ वाट वी प्रिडिक्टेड इट इज़ ऑन द सेम लाइन और यह फर्स्ट कट ऑफ है सेकेंड और थर्ड कट ऑफ और लो जाएगी मिनिमम ट्वेंटी मार्क्स का डिक्रीज यू कैन सी इन ऑलमोस्ट ऑल द कैटेगरीज एक्सेप्ट नॉन डी यू जनरल तो होता क्या है नॉन डी यू जनरल में एक और प्रॉब्लम आ गई है दैट आई विल ट्राई टू टेल यू सो पीपल हु गेट सपोज दैट टू फिफ्टी ओके एंड दे आर फ्रॉम डी यू कैटेगरी सो दे विल बी कंसिडर एज नॉन डी यू तो डी यू वाले नॉन डी यू में भी जा सकते हैं डी यू में भी जा सकते हैं ठीक है सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्या हुई नॉन डी की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गई है एज कम्पेयर टू डी यू डी वाले ही कल होके नॉन डी बन गए हैं गॉट इट जो डी वाले थे वो अगर नॉन डी कट ऑफ किए हैं तो वही डी में चल नॉन डी बन गए हैं राइट right? तो मोस्टली डी का एक ही टारगेट है एंड इट इज ऑलमोस्ट आई थिंक इट्स गुड चॉइस कि डी में मेन टारगेट है कि आप डी वालों का एडमिशन ज़्यादा लें क्योंकि उनका करिकुलम ऐसा है और बच्चों के कोर्स काफ़ी डिफिकल्ट हैं एक चीज मैं आपको और बता दूं जिनका आई जी आई डी आर हो चुका है एंड दे आर नॉट फ्रॉम डी यू दे आर नॉन डी यू आई वुड रिक्वेस्ट यू डोंट लीव आई जी आई डी आर बेटर टू स्टे इन आई जी आई डी आर ठीक है आई जी आई डी आर इट इज बेटर देन डी एस सी इन एवरी थिंग एक्सेप्ट यू आर नॉट फ्रॉम दिल्ली येस जो दिल्ली से नहीं जो दिल्ली से हैं उनके लिए डी यू बेस्ड है अदरवाइज इफ यू सी ओवरऑल आई जी डी आर इज़ फार बेटर देन एनी अदर इंस्टीट्यूट इन इंडिया स्पेशली इन द सी यू ई टी फील्ड राइट हॉस्टल्स फैसिलिटी है फी काफ़ी कम है स्मॉल कैंपस uh, है स्मॉल बैच हैं तो वन टू वन इंगेजमेंट ज़्यादा है एक कैंपस लाइफ का आपको माहौल मिलेगा यह सब चीज़ें डी में नहीं है डी एस सी इज़ ओनली नॉन फॉर इट्स गुड एकेडमिक्स गुड एकेडमिक्स एंड प्लेसमेंट्स ठीक है अगर आप नॉन दिल्ली के हैं तो आपको नियरली थ्री टू फोर लैक एक्सपेंडिचर पड़ेंगे दिल्ली में रहने के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर इज़ वेरी हार्स ऑफ दिल्ली और कोर्स इज़ वेरी डिफिकल्ट स्टिल नियरली फोर्टी टू फोर्टी फाइव परसेंट इज़ ड्रॉप आउट ठीक है अगर वहाँ पर सौ बच्चे ज्वाइन करते हैं तो साठ ही बच्चे टिक पाते हैं तो तीन सौ बच्चे ज्वाइन किए तो आप समझ लो वन एट्टी बाकी जो है ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है यह बाकी इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं है ठीक है अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि कट ऑफ और कितनी गिरेगी ठीक है जितने भी आपको यहाँ पर स्कोर दिख रहे हैं आई एम एक्सपेक्टिंग नॉन डी जो है वह नियरली टू ट्वेंटी टू, टू, टू थर्टी पे क्लोज हो जाएगी नॉन डी नॉन डी का कट ऑफ गिरता है बहुत कम पर जो डी कैटेगरी है जनरल कैटेगरी का डी कोटा वाले इनका कट ऑफ काफी ज्यादा गिरेगा एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यह 200 के नियरली क्लोज होगी नियरली 200 जनरल कैटेगरी डी यू फॉर स्योर दो सौ दो सौ दो चार लाइक दिस ई डब्ल्यू एस की भी और गिरेगी ई डब्ल्यू एस का जो डी यू कोटा है दैट आई एम एक्सपेक्टिंग कहीं वन सेवेंटी एटी ना आ जाए डी यू कोटा ई डब्ल्यू एस और नॉन डी यू कोटा जो टू टेन गया है वह जो नॉन डी यू कोटा है वह टू हंड्रेड के करीब जाएगी मीन्स वन नाइन्टी फाइव टू हंड्रेड ठीक है बाकी एस टी एस सी में भी उसी तरह आप जुगाड़ लगा लो सो पंद्रह बीस मार्क्स ये जरूर से जरूर नीचे जाएगी बाकी क्या रहा तो एक गोखले की बात कर लेते हैं गोखले में क्या हुई है जनरल कैटेगरी में नियरली वन सिक्सटी सेवेंटी वालों को सेकेंड प्रिफरेंस थर्ड प्रिफरेंस मिल रहा है ठीक है फर्स्ट प्रीफरेंस के लिए आपको और वेट करना होगा जब तक एच सी यू का रिजल्ट नहीं आ जाता है कुछ बच्चे एच सी यू ज्वाइन करेंगे तो दे विल लीव गोखले एंड सम ऑफ दे विल ज्वाइन इन फैक्ट पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ हायर फी इन गोखले सो इन दैट वे इन अपकमिंग फेजेज वी कैन एक्सपेक्ट कि गोखले की कट ऑफ जनरल कैटेगरी जो है जनरल कैटेगरी यह क्लोज होगी नियरली वन फिफ्टी पे एंड इन एट वन फिफ्टी यू कैन गेट इवन योर फर्स्ट इफ़ फर्स्ट नहीं तो सेकेंड प्रिफरेंस क्लियर अब बात कर लेते हैं बी एच यू की थोड़ी बी एच यू का काफ़ी हाई कट ऑफ गया था टू हंड्रेड टेन बी एच यू कट ऑफ गई थी अब क्या होगी आ, बाकी जो इंस्टीट्यूट हैं बी एच यू की कट ऑफ एच यू कट ऑफ आने की बात ड्रास्टिकली गिरेगी बी एच यू की कट ऑफ जो कल परसों आने वाली है इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं होगी सिंस बिगनिंग आई बिन टेलिंग यू कि सेकेंड कट ऑफ काफी कम गिरेगी चाहे बी एच यू हो चाहे जे एन यू हो जे एन यू को भी काफ़ी कम गिरी जे एन यू की थर्ड कट ऑफ देखिएगा ठीक ठाक थोड़ी गिरेगी कुछ बच्चे क्योंकि डी एस सी मूव करेंगे ठीक है आई वी आर ऑलमोस्ट श्योर कि डी जे एन यू जो है जे एन यू वह टू थर्टी प्लो प्लस के आसपास जनरल कैटेगरी में एडमिशन हो जाएगा और बाकी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा गिरने वाली है ई वगैरह 215 काफ़ी सेफ है इंक्लूडिंग डेप्रीवेशन पॉइंट फॉर द जे क्लियर और एच की जब रिजल्ट आ जाएगी जो कि स्टार्ट होगी 210 और क्लोज होगी 170 के आसपास जनरल कैटेगरी उसके बाद फिर बी की कट ऑफ गिर गिरेगी तो नेक्स्ट राउंड में यू कैन एक्सपेक्ट बी 200 या 195 के आसपास है उसके बाद जो बी होगी बी एच जनरल आउटसाइडर्स आराम से मिल जाना चाहिए चलिए यह थी कट ऑफ की डिटेल कोई भी डाउट होगा आप कॉमेंट में पूछेंगे अब हम अपना फ्रेश पढ़ाई स्टार्ट करें जो 2024 के बैच हैं बहुत से बच्चों ने डी में रिजल्ट दिया है बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है इन द फर्स्ट मेरिट लिस्ट अभी तक 12 से 14 बच्चों का मैसेज uh, आ गया कि सर हमारा हो गया सर मेरा जे भी हो गया डी भी हो गया कहाँ जाऊँ और नेक्स्ट राउंड में जब कट ऑफ कम जाएगी वी आर एक्सपेक्टिंग कि आराम से 25 प्लस बच्चों का नविनॉमिक्स में से क्लियर होना चाहिए और हमारी यह रहती है परंपरा वाट वी फॉलो कि वी डोंट लीव योर हैंड कि चलो हमने पढ़ाई कर दिया कोर्स फिनिश कर दिया दिसंबर जनवरी फरवरी तक उसके बाद आई डोंट नो यू यू डोंट नो मी नहीं हम ऐसा नहीं करते हैं आई रिमेन विथ यू टिल यूर एटलीस्ट एडमिशन एंड इवन आफ्टर एडमिशन यू कैन आस्क एनी डाउट रिगार्डिंग एनी थिंग सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ आर क्लास डोंट सी एनी थिंग इन टर्म्स ऑफ कि सर आप सिर्फ कोर्स दे रहे हो और एडमिशन ले लूँ नहीं इट्स नॉट अबाउट कोर्स इट्स ऑल अबाउट फ्रेंडली देखिए फ्रेंडली नेचर फैकल्टी से कितना ज़्यादा एंड आई वुड रियली अप्रिसिएट इफ सम पॉजिटिव कॉमेंट आई कैन फाइंड अगर आप लोग हमसे Uh, if you really uh, feel a uh, connect, please comment, guys, ki how far Nabinomics was really helpful to you in reaching out, in helping out regarding cutoff, regarding college selection, regarding. सी यू टी कवरेज एंड ऑल अदर थिंग्स अदर अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन अपार्ट फ्रॉम क्लास क्योंकि क्लास लेक्चर नियरली ट्वेंटी फ्री डेमो लेक्चर्स दिए हुए हैं ठीक है नीचे लिंक दिया होगा फ्री डेमो लेक्चर्स इफ यू रियली लाइक देन ऑनली यू जॉइन द क्लास यू वी नेवर फोर्स टू जॉइन द क्लास वी फर्स्ट प्रोवाइड फ्री डेमो लेक्चर्स इफ यू फील कि येस इट्स वेरी गुड यू शुड डेफिनेटली जॉइन बिकॉज नो अदर विल प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ

सी यू टी कोर्स एंड प्लीज़ कॉमेंट अच्छे अच्छे आप जब कॉमेंट करोगे पॉजिटिव कॉमेंट्स से लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है देन ओनली दे विल जो एंड इट गिवस अस मोटिवेशन टू वर्क इन ए बेटर वे अभी आपका फर्स्ट कट ऑफ ही लाना है ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ आई डोंट फील एनी काइंड ऑफ पॉजिटिविटी देर हो आई कैन गो फॉर सेकेंड कट ऑफ थर्ड कट ऑफ हो आई कैन गो फॉर लाइक विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस फ्राम यू पीपल कि और भी चीज़ों पे मैं कैसे वीडियो बनाऊँ किसी के 120 मार्क्स आ रहे हैं 130 थर्टी मार्क्स है उनको भी पता है जनरल ओ में कि हमारा एच सी ये सब नहीं होने वाला है सो हा आई कैन हेल्प टू दोज़ पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड और एक चीज़ लास्ट विनती है मेरी जो बच्चे एक या दो मंथ के लास्ट में कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिनका फ़ी आपको लग रहा है कम है फी काफी कम रखा है मैंने कोर्स का नियरली सिक्स थाउजेंड के आसपास है ठीक है तो उनको लग रहा है कि अरे लास्ट में ज्वाइन कर लेंगे नहीं लास्ट में ज्वाइन करने से आपका रिजल्ट नहीं होगा आई एम रियली सरप्राइज टू नो जो भी डी में भी रिजल्ट हुए हैं बारह चौदह बच्चों के उसमें एट टू टेन बच्चे वैसे हैं जो बिगिनिंग में क्लास ज्वाइन किए थे इन द बिगिनिंग ऑफ कोर्स लास्ट के जो एक दो मंथ में ज्वाइन किए हैं उनका रिजल्ट एक दो के बराबर हुआ है बिकॉज यार सिलेबस काफी बड़ा है सिक्स टू एट मंथ्स का आपको कॉन्क्रीट प्रिपरेशन चाहिए और आपका ऑलरेडी आप जून चला गया है अगर फेबर मार्च में एग्जाम होती है यू हैव जस्ट एट मंथ्स लेफ्ट तो ट्राई टू अंडरस्टैंड जिनको डीएससी चाहिए जे ही चाहिए दे आर मोस्ट वेलकम टू सी यू टी कोर्स और जिनको कोई भी इंस्टीट्यूट मिल गई है इफ़ दे आर हैप्पी विथ अदर थिंग्स दे आर रियली चलिए दे आर वेलकम टू ज्वाइन अदर इंस्टीट्यूट एज वेल ठीक है या था कट ऑफ इन सब कट ऑफ में नॉन डीयू में दस नंबर गिरेगी दस से पंद्रह नंबर गिरेगी उससे ज्यादा नहीं करी है बाकी जो है डीयू कैटेगरी में एटलीस्ट पंद्रह से बीस मार्क्स आप डिक्रीज कर लो इन एवरी कैटेगरी दैट वुड बी नियरली कट ऑफ तो, तो दैट्स द दे क्लोज जे का कट ऑफ एस का कट ऑफ बी का कट ऑफ ऑलरेडी हमने बता चुका है यह हमारा प्रोबेबली लास्ट कट ऑफ होगा एक हम और वीडियो बनाएंगे एच सीयू पीजी मेरिट लिस्ट पे वेन इट विल बी अनाउंस्ड ऑन ट्वेंटी उसके बाद मैं कट ऑफ को लेकर ज्यादा डिटेल वीडियो नहीं बनाऊंगा देन वी विल बी स्टार्टिंग क्योंकि अब हमारा आई का भी बैच आ चुका है आई का भी बैच हमारा लॉन्च हो चुका है और नेक्स्ट वीक हमारा